क्षेत्राधिकारी खजनी और चौरी चौरा का कार्यभार संभाल चुकी रचना मिश्रा को सीओ जीआरपी बनाए जाने के बाद रचना मिश्रा ने 10 सितंबर को जीआरपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया और शुक्रवार को उन्होंने विधिवत कार्यभार शुरू किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और उनकी सुरक्षा ही मुख्य प्राथमिकता रहेगी। कोरोना काल में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन के तहत यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने कहा कि ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को जहर खुरानों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा नए सिरे से जहर खुरानों की सूची तैयार की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने कहा, मैंने कल 10 सितंबर को यहाँ पे सीओ जीआरपी गोरखपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और आज मैं पहले दिन ऑफिस में आई हूँ। यहाँ मैंने देखा कि कई जिलों को मिला करके एक बड़ा लंबा एरिया है जीआरपी का, तो जीआरपी के सामने नए चैलेंजेस भी हैं लॉकडाउन के इस काल में, जो ट्रेनों का आवागमन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जाहिर है क्राइम भी बढ़ेगा, तो उसको फोकस करेंगे, अपनी नफरी को कैसे स्वस्थ रख के और उनसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सेवा देनी है, इस विषय में मेरा फोकस रहेगा। और चलती ट्रेनों में एवं अपने यात्रियों के साथ कम से कम दिक्कतें आएँ, कोई अपराध ना हो, इस पे अपनी सारी फोर्स के साथ मिल करके हम कार्य करेंगे। गोरखपुर काफी दिनों से रही आप सीओ के पद पर रही हैं, तो जिला भी जाना पहचाना है, तो इससे कितना लाभ मिलने वाला है? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, स्थानीय लोगों से इनपुट मिलेगा, जिससे क्राइम पे भी काम करने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों में अपराध कार्य करने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं नई उम्र के, वो कहीं ना कहीं जिले के अपराधियों से जुड़े रहते हैं, तो अपने इस पुराने सेवाकाल का अनुभव मुझे काफ़ी काम आएगा कि हम अपराधियों पर नियंत्रण कर सकें एवं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकें। ट्रेनों में सबसे बड़ी समस्या थी जब पुराने का काफ़ी इश्यू बना, पोस्टर भी लगाए गए हैं, जी जी, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? एक नए सिरे से फिर से मोटिवेशन स्कीम शुरू करेंगे, जिससे अवेयरनेस रहे यात्रियों में, किसी भी अनजाने व्यक्ति से कम सीमित संपर्क रखें, उसका दिया हुआ कोई चीज़ें ना खाएं। इसके लिए पहले तो हम अपने स्टाफ को मोटिवेट करेंगे, जिसके माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगी। अभी अगले एक आध हफ्ते के बाद मैं इन लोगों की रेगुलर मीटिंग्स लेके इस विषय में विशेष रूप से इन्हें मार्गदर्शन करूंगी, जिससे कि इसे हम कंट्रोल कर सकें। रेलवे का एरिया भी काफ़ी लंबा है, रेलवे का लेकर के कई जगह देखा जाए सर्किल में सीओ की भी कमी है जी, कुछ स्टाफ की भी कमी है और कुछ स्टाफ अंतिम चरण 50 साल से ऊपर है, बिल्कुल, जिनको कोरोना काल में ड्यूटी करने से मना कर दिया गया जी, तो ऐसे में आप जो लेकर समस्या उत्पन्न होने वाली है उसके लिए क्या करेंगे? अभी आज जो मैंने कार्य संभालने के बाद जो देखा, तो हमारे यहाँ नफरी की थोड़ी सी क्राइसिस है, जो नियतन है उससे थोड़ा कम है फोर्स, और कई लोग अंडर ट्रांसफ़र भी हैं जिलों के लिए, जिनमें से जैसा आपने बताया कि कई लोग उम्र उनकी 50 वर्ष या उससे अधिक है, तो हमें जैसे शासनादेश से निर्देश प्राप्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से कि अधिक उम्र के लोगों को मेन फ्रंटलाइन ड्यूटी में नहीं रखना है, तो इस चीज़ को अभी हम स्टाफ के साथ बैठ के स्ट्रीमलाइन करेंगे कि उनका एक्सपोजर ऐसी ड्यूटियों के प्रति कम से कम हो, उनसे हम रूटीन ऑफिस के ही काम लें, फिर भी चुनौतियां हैं उसका सामना करेंगे और समाधान बिल्कुल निकालेंगे। कोरोना काल चल रहा है, ट्रेनों में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग या थर्मल स्कैनिंग कम हो रहा है, तो जीआरपी की काफ़ी जिम्मेदारियाँ या सवारियों को यात्रियों को ट्रेनों में बैठाने की या सीटिंग के लिए जी, उसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं? हाँ, अभी हमारी जो पूर्व SP रेलवे मैम थी, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया था और ये उन्हीं की देन रही कि पूरे इस कोरोना काल में जीआरपी के कर्मचारी कोरोना बीमारी से प्रभावित नहीं रहे। यह चीज़ मैंने अभी जब लाइन में मैं गई, ऑफिस का भ्रमण किया, सब जगह देखा, एक भी कर्मचारी कोरोना से प्रभावित नहीं है। इतनी रिगरस ड्यूटी में भी ये चीज़ें रहीं, ये मैडम की ही देन है, तो मैडम के बनाए हुए जो दिशा निर्देश थे, उनकी बताई हुई कुछ चीज़ें थी, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए
अलग अलग टास्किंग की, उनको जितने कोरोना से संबंधित किट और जितने एहतियात के सामान हैं उन्होंने उपलब्ध कराए और तब जाके ड्यूटी ली। तो इस चीज़ को, इस परंपरा को हम आगे भी कायम रखेंगे और ड्यूटी के साथ कोई कोताही नहीं होगी, परंतु अपने कर्मचारियों की सुरक्षा 100% सुनिश्चित करेंगे जिससे कि वो सार्थक सेवाएं दे सकें। ऐसे अपने उसको कहना चाहेंगे जो रेल यात्रा करते हैं। बिल्कुल, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी यही अपील है, मेरे सभी रेल यात्रियों से यह अपील है कि पढ़े हों या न पढ़े लिखे हों, परंतु सद इतना वो अपने व्यवहार कुशलता में ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति से एक सीमा तक ही व्यवहार रखना है। दौरान यात्रा अपनी चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने साथ चल रहे लोगों से, परिवारजनों जिनके साथ आप चल रहे हैं उन्हीं को ही दें और किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही आगे चल के अपराध को अंजाम देता है। तो किसी का दिया कुछ खाए ना और ना ही अपना सामान किसी भी ऐसे व्यक्ति, अजनबी जिन्हें आप जानते नहीं, जिनसे आपका अभी अभी हाल ही में परिचय हुआ है, उनको ना छोड़ के जाएं। बाकी आपकी सहायता के लिए जीआरपी पुलिस सदैव तत्पर है। हमें चीज़ें समय से बताएं, छोटी से छोटी अगर कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम आपके समाधान के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे, उपस्थित रहेंगे।